प्यारी नाइन्थ क्लास, आज हम दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। वैसे तो आप वो एट क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज देर इज़ एन एक्सप्रेशन 4 + √5 इंटू 5 - √3। यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट में चाहे कितनी भी नंबर्स हों, हम पूरी ब्रैकेट को अपने आप में एक नंबर मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट हैं और आपस में वो क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, 4। 4 को इस दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंप्लीट। देन क्या है, प्लस, प्लस लगाइए और उसके बाद इसी तरीके से रूट फाइव को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डन। नाउ सेकंड स्टेप, अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर 4 है, ब्रैकेट के बाहर किसी नंबर का होना मतलब वो नंबर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो 4 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5 = 20 - √3, क्योंकि रूट की नंबर किसी नेचुरल नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती। आप इसको 4 × 3 = 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये √12 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। प्लस √5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, √25 नहीं आएगा, 5 अलग रहेगा, √5 अलग रहेगा। माइनस रूट वाली नंबर से अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकती है, 5 × 3 = 15। तो अब देखिए यहां पर ये हमारा आंसर आ चुका है एंड दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जब भी कोई नंबर है हमारे पास, सपोज 1/√2, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कोई रूट वाली नंबर आती है तो हमें उसको रैशनलाइज करना होता है। उसका सिंपल सा तरीका होता है बच्चों, मल्टीप्लाई कीजिए जो ये रूट वाली नंबर है उसे, और उसे वापस डिवाइड कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ा, √2 से √2 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अब 1 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए √2, और √2 को √2 से कीजिए √4, एंड आंसर इज √2/4 का रूट क्या होता है, 2। दिस इज द आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप, सपोज 1/√7 + 3। अब हमारे पास यहाँ दो नंबर हैं, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से सेम नंबर लिख लीजिए, लेकिन बीच वाला साइन हमें चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और सेम नंबर नीचे लिख लीजिए, दैट्स इट। 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये अपने आप में ब्रैकेट्स होती हैं, अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। पहले √7 को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 3, अब 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाली नंबर एज इट इज, √7 को √7 से किया √49, माइनस √7 को 3 से किया क्या आएगा, √21 नहीं आएगा ना, 3√7, प्लस 3 को √7 से कीजिए 3√7, और 3 को 3 से कीजिए 9। अब यहाँ देखिए 3√7 से क्रॉस हो रहा है, क्या बचा, √7 - 3 तो ऊपर था, 49 का रूट क्या होता है, 7 - 9, √7 - 3, 7 में से 9 गए, -2, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगा बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता, ध्यान से देखिए, 2 + √3/4 - √5। सपोज इस नंबर को रैशनलाइज करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना होता है, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखिए लेकिन बीच वाला साइन चेंज करके सेम नीचे लिख दीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ऊपर भी एक ब्रैकेट है और नीचे भी एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले 2 को कीजिए 4 + √5, देन प्लस √3 को कीजिए 4 + √5, नीचे आइए
अब नीचे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए, आपने एक आइडेंटिटी की थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का मतलब अगर दो ब्रैकेट्स में फर्स्ट नंबर सेम है सेकंड नंबर सेम है बट साइन अलग अलग है तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, फोर स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं हम, टू फोर ज़ा एट प्लस टू रूट फाइव, टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री को फोर से मल्टीप्लाई कीजिए फोर रूट थ्री प्लस रूट थ्री को रूट फाइव से कीजिए रूट फिफ्टीन, और नीचे क्या आएगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, रूट फाइव का जो स्क्वायर है वो रूट से क्रॉस हो जाएगा, क्या बचा फाइव। हमारा आंसर आया एट प्लस टू रूट फाइव प्लस फोर रूट थ्री प्लस रूट फिफ्टीन एंड सिक्सटीन में से फाइव गया इलेवन। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू गॉट इट ऑल, हैव अ नाइस डे।